हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज आपके साथ जुलाई का पार्ट टू वीडियो लेके आया हूं और अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस करूंगा जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस अभियान को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैच जो है बेटा, शक्ति बैच जो है दोस्तों, ये बैच आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिलेगा। वहां बैनर है इसका, वहां पर बटन है बाय नाउ का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपका ये बैच सब्सक्राइब हो जाएगा और वहीं पर आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस शीट भी मैं आपको दूंगा, वो भी आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, इन हेडिंग्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि मैं करंट अफेयर्स डील करूंगा, तो ये आपके स्लाइड आपके यहां चलती रहेगी। जुलाई का ये करंट अफेयर्स है, अगस्त का करंट अफेयर्स है, आज हम लोग उसको शुरू करेंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये सवाल आ रहा है। अब देखिए टॉपिक क्या है, पॉइंट ये है, यहां पर हुआ क्या है, केरला से खबर आई है कि त्रिवेंद्रमपुरम जो केरला में लोकेटेड एक सिटी है, वहां पर 13 केस जो है वो जीका वायरस के रिपोर्ट किए गए। ठीक है, जीका वायरस। अब आपने आई एम श्योर जीका वायरस के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हमें एनडीए के एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें जानना जरूरी है इसके बारे में, कि अगर सवाल आ जाए तो हम हर तरह का सवाल यहां से निकाल ले जाएं। ठीक है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आप देख सकते हैं, यहां छपी है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर शुरू करते हैं। तो देखिए यार, जीका वायरस के बारे में बेटा मैं आपको बताऊं, ये जो वायरस है, ठीक है, ये वायरस एडीज मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, एडीज मच्छर। तो अभी जो आपको यहां 13 केसेस मिले हैं केरला के अंदर, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इससे पहले जीका वायरस का केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, इससे पहले भी जीका वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन यहां केरला में यह पहली बार हुआ है। केरला में अभी तक जीका वायरस का कोई भी केस नहीं था, अब जीका वायरस का केस यहां पर भी रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो जो सैंपल यहां लिए गए थे, वो सैंपल लिए गए थे पुणे में एक बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर सिचुएटेड है, तो आपको यह चीज यहां पता होना चाहिए, इसको आप मार्क कर लीजिए। यह एनडीए के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, एनडीए के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस मच्छर को मैंने बनाया हुआ है, तो एक बात समझ में आती है कि जो वायरस है ये मच्छरों से फैलता है, ये मच्छर के थ्रू फैलता है। अब इसके बारे में बेसिक चीज सुनिए, एक मिनट का समय लगेगा। ये जो वायरस है बेटा, ये एडीज मच्छरों से फैलता है। एडीज एक कैटेगरी के मच्छर है, ठीक है, उनसे ये वायरस फैलता है और ये मच्छर जो होंगे ये आपको दिन के टाइम काटेंगे। ठीक है ना, ये डे के टाइम एक्टिव होते हैं। सबसे पहले इनको बंदरों के अंदर पाया गया था, इस वायरस को आप देखोगे, ये जो वायरस है ये फर्स्ट टाइम मतलब डिटेक्ट किया गया था मंकीज के अंदर, कि हाँ ये मच्छर जो है काटे होंगे, तो ये बंदरों के अंदर आया था युगांडा में 1947 में इसको डिटेक्ट किया गया था। ह्यूमंस के अंदर ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था 1952 में, 5 साल के बाद। साथ में टेंजानिया में भी इसको रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है खाली ये अफ्रीका तक लिमिटेड है, अब तो एशिया तक आ गया है। इसके अलावा बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स हैं, वहां पर भी आपको ये जीका वायरस मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अमेरिका भी इससे वंचित नहीं रह गया है, वहां पर भी इनके केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं, जैसा कि आप रीड कर पा रहे होंगे, अच्छा आपको इस स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूं, बिकॉज आप लोगों के कॉमेंट ये आए थे कि सर स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, बट बेटा स्क्रीनशॉट से बेटर यह है कि आप इसका पीडीएफ निकाल लीजिए तो ज्यादा सही होगा। एनीवे, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें मैं आपसे, तो यार पहले सुनो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। हिंदी के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहा है हमारे साथ, मैं ट्राई करूंगा कि आपको हिंदी तक चीजें पहुंचाऊं हिंदी भाषा में। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड समझो क्या होता है बेटा, ये वो पीरियड होता है जब आपको कोई इंफेक्शन हुआ, मतलब इंफेक्शन छोड़िए, जब आपके अंदर वायरस की एंट्री हुई, तब से लेकर आपको सिम्टम्स जब तक आना शुरू होते हैं, ठीक है, उसके बीच के पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए वायरस कोई आपको आपके यहां एंटर किया होगा 4 सितंबर को। ठीक है, अब आपको सिम्टम देखने को मिले हैं मान लीजिए 12 सितंबर को, तो 4 से लेकर 12 तक का जो पीरियड था दैट वाज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक बात है, तो यहां इस मच्छर का जो इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है जीका वायरस का, वो कितना है, वो है 3 से 14 दिन। मतलब इतना टाइम लग सकता है, एक बार वायरस अंदर घुसता है ह्यूमन बॉडी के तो सिम्टम्स आने में इतना टाइम लग सकते हैं। अब आपका
होगा सर, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको बुखार आ सकता है, मसल पेन होगा, हेडेक हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, ऑब्वियसली कोई अगर वायरस अंदर जाएगा तो ये सब चीजें आएंगी आएंगी। एक जो मेजर चीज आपको अपने एनडीए के हिसाब से याद रखनी है और वो है कि इस वायरस के, जीका वायरस के थ्रू यहां पर एक सिंड्रोम हो सकता है और उसको हम लोग बोलते हैं गुइलियन बार सिंड्रोम। क्या कह रहे हैं? गुइलियन बार सिंड्रोम। अब ये गुइलियन बार सिंड्रोम क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी एक जीका वायरस आपको मच्छर ने काटा और आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये सिंड्रोम हो जाए। तो भैया अब ये सिंड्रोम है क्या उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल कराता हूं मैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट टू जीका वायरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट है इट स्प्रेड थ्रू एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। अब बताइए जरा इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यार देखो पहला स्टेटमेंट इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये तो गलत है। क्यों क्यों गलत है? अब यही चीज आपको घुमाएगा, बेटा ये बैक्टीरियल नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन है। अब जरा देखो इसको, प्लीज सी दिस, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जीका वायरस। तो यार वायरस है ना, तो वायरस से क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन ही होगा, ठीक है ना। ये एक एडीज मॉस्किटो से होता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया। तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये क्या है, इट्स अ वायरल डिजीज। तो ए ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। इट स्प्रेड थ्रू एडीज मॉस्किटो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं इस सिंड्रोम के बारे में आपको बताता हूं कि ये सिंड्रोम होता क्या है। देखिए जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने कोशिश करी है कि जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाए। और देखिए ये गुइलियन बार सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो आपका जो यहां पर आप देखेंगे इट इज रिटन कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो आपके नर्व्स को अटैक कर देता है। यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो नर्व्स को अटैक करेगा। तो जब जीका वायरस आपके बॉडी में जा रहेगा, कोई वायरस है, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो वो कम होने की वजह से यहां नर्व्स पे अटैक हो सकता है। और नर्व्स अटैक, जब उस नर्व्स पे अटैक होता है तो जो नर्व्स इतनी बढ़िया से होती हैं, ऐसा दिख रही होती हैं, वो कुछ इस तरह से यहां पर टूटने लगती हैं, और इस तरह के होने की वजह से आपको ये गुइलियन बार सिंड्रोम हो सकता है। ठीक बात है, ये समझ में आ गया। अब जरा देखिए यहां पर आपको फोटोज में दिख रहा है किस तरीके से यहां पर लिंब वीकनेस हो सकती है, आपको जॉइंट होता है ना, हो सकता हो आपको अपने फीट में यहां पर दर्द दिखे, जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में आपको अलग अलग दर्द दिखे। क्यों? क्योंकि वहां की नर्व्स जो है वो क्या हो रही है, वो विदर हो रही है, वो टूट रही है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है। अब आगे देखिए, यहां पर यही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है कि एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम को यहां पर अटैक करता, इम्यून सिस्टम को यहां पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जो आपके नर्व्स को अटैक करता है, ठीक है ना। आप वही लाइन देखिए, लिखिए गुइलियन बार सिंड्रोम इज अ रेयर डिसऑर्डर इन विच योर बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स योर नर्व्स। आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ही जो है वही नर्व्स को अटैक कर देगा, ठीक है। आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम, इन विच योर बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स योर नर्व्स। तो ये एक तरह का सिंड्रोम होता है जहां पर बेटा क्या हो रहा है कि आपका बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम अटैकिंग दी नर्व्स। इससे क्या होगा, बहुत सारा वीकनेस, टिंगलिंग, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, आपके पाम में हो सकती है, आपके फीट में हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट कारण क्या है इस सिंड्रोम का, ये अभी तक जानने को नहीं मिला है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक हमारे पास इसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई सेट क्योर नहीं है कि हम गुइलियन बार सिंड्रोम का हम कैसे क्योर करेंगे, इसका अभी तक हमारे पास देयर इज नो नोन क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम। आपके ये यहां पर दिस इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी, मतलब यहां पर इन सब चीजों को ये अफेक्ट कर सकता है, और जीका वायरस तो यहां पर है ही, ठीक है। ये सब चीजें आपकी यहां पर अफेक्ट हो सकती हैं, क्लियर हो गया। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जीका वायरस पे सवाल इंपॉर्टेंट हो गया, गुइलियन बार सिंड्रोम क्या होता है वो समझ में आना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम खुद आपके यहां पर नर्वस सिस्टम, नर्व्स को अटैक कर देता है, क्लियर हो गया। चलिए अब इस पे सवाल देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट टू गुइलियन बार सिंड्रोम कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सवाल को स्टॉप करिए, वीडियो को, और सवाल करिए। चलिए देखिए, इट इज अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। क्या ऐसा है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है? नहीं यार, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता है। मैंने क्या बताया कि आपका इसका इम्यून सिस्टम जो है वो नर्व्स को जाके अटैक कर देता है। तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
एल्डोफेरल इज दी वैक्सीन टू ट्रीट दिस सिंड्रोम. नहीं नहीं, कोई वैक्सीन एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है. तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए. आंसर हो गया इसका नीदर ए नॉर बी, जिसका आंसर हो गया डी. समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, और वो आ रही है यहां पर स्पेस एक्स के द्वारा. स्पेस एक्स जो है अब भारत के साथ मिलकर, यहां पर भारत की जो लोकल फर्म्स हैं उनके साथ मिलकर सैटेलाइट की जो चीजें इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाएगा इन इंडिया. एज यू कैन रीड इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है कि एलॉन मस्क बैक्ड स्पेस एक्स विल पार्टनर विद लोकल फर्म्स टू मेक सैटेलाइट गियर इन इंडिया. अब देखिए इसके बारे में आपको दो तीन चीज बता देता हूं. आपने सुना होगा डेफिनेटली, आपने एलॉन मस्क का नाम सुना ही होगा. इनके बारे में कौन नहीं जानता है. एलॉन मस्क की ये कंपनी है, एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स. ठीक है ना, जिसका नाम है स्पेसएक्स. एक नाम ये याद रखिए, एक नाम आपको याद होना चाहिए जेफ बेजोस का. ठीक है, जेफ बेजोस. अब जेफ बेजोस जो है इनकी भी एक यहां पर कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी, इसका नाम है ब्लू ओरिजिन. ठीक है ना, तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि कौन सी कंपनी किसकी है, क्योंकि यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में. कोई अगर यहां पर मान लीजिए कोई इवेंट होता है, वो इवेंट किसने कराया है, वो स्पेसएक्स का है कि ब्लू ओरिजिन का है कि नासा का है कि इसरो का है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, किसका है, ये सब सवाल आ सकते हैं. ठीक है ना, तो अभी फिलहाल क्या है कि एलॉन मस्क के द्वारा जो बैक्ड स्पेसएक्स कंपनी है उनकी, वो क्या करेगी, वो अब भारत के लोकल फर्म्स के साथ क्या कर रही है, पार्टनर कर रही है. किस लिए? टू मेक सैटेलाइट गियर इन इंडिया. सैटेलाइट गियर मतलब यहां पर जो सैटेलाइट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको भारत के साथ यहां पर बनाएगी. ठीक है, अब जरा इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं. तो देखिए यहां पर इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बताता हूं कि यहां क्या हुआ है कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, ठीक है, उनका एक प्रोजेक्ट चलता है स्टारलिंक प्रोजेक्ट. ठीक है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, यहां पर क्या डिसाइड किया गया है एलॉन मस्क की कंपनी द्वारा कि हम स्पेस में लगभग 12,000 सैटेलाइट्स को यहां पर लॉन्च करेंगे और उन सैटेलाइट्स को लिंक कर देंगे ताकि हम पूरे अर्थ पे यहां पर क्या कर सके, हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके. तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट विच इज स्टार्टेड बाय स्पेसएक्स और उसके तहत क्या किया जा रहा है, एक यहां पर जाल बिछाया जा रहा है सैटेलाइट्स का जिसके थ्रू हम बहुत ही रिमोट एरियाज तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन डन अंडर द स्टारलिंक प्रोजेक्ट. अभी ये प्रोजेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, ठीक है, स्टारलिंक, यहां पर क्या न्यूज आया है कि एलॉन मस्क बैक्ड कंपनी स्पेसएक्स स्टारलिंक ब्रॉडबैंड is slated to be available to users in 2022. तो ये जो प्रोजेक्ट यहां पर बना जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, तो भारत को ये इंटरनेट सर्विस जो है वो कब तक मिलेगी, वो 2022 तक मिलना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो नाउ अब क्या होगा, स्पेस एक्स जो भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, लोकल फर्म्स के साथ पार्टनरशिप करके यहां पर इस तरह की चीजें जो रिक्वायरमेंट है सैटेलाइट्स की, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यहां पर बनाएगी. ठीक है ना, उनको यहां पर लोकली मैन्युफैक्चर करने वाली है. ठीक है, अब यहां पर अपार्ट फ्रॉम स्पेस एक्स जो हमारे भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ये हमारे जो माने मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं. अब उसने क्या किया है कि उसने स्पेस एक्स के साथ बात तो करी, स्पेस एक्स के साथ साथ उसने यहां पर जेफ बेजोस की कंपनी के साथ भी यहां पर बात करी और जेफ बेजोस का यहां पर एक प्रोजेक्ट जेफ बेजोस का चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट क्यूपियर. क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट क्यूपर बोलते हैं, राइट. और ऐसे ही यहां पर इंडिया का एक भारतीय ग्लोबल बैक्ड एक प्रोजेक्ट चलता है वन वेब. ये दो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, सिमिलर बेसिस पे यहां पर प्रोजेक्ट क्यूपर भी है सेम ऑब्जेक्टिव के साथ और यहां वन वेब भी है. तो बेसिकली आप देखिए किस तरीके से अब वर्ल्ड कम्युनिटी ये चाह रही है या ये प्राइवेट फर्म्स ये चाहते हैं किस तरीके से हम इंटरनेट कनेक्टिविटी अब एकदम आप देखिए रिमोट से रिमोट एरियाज तक पहुंचा पाए. ठीक है, पहले मैं बात करता हूं आपसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं दिखाता हूं एग्जैक्टली आप देख सकते हैं ये है कुछ इमेज जिस तरह से यहां स्पेसएक्स ने प्लान किया है कि ये अर्थ है और हम कुछ 12,000 सैटेलाइट्स का जाल बिछा के हम यहां पूरा इसको ऐसे कवर कर देंगे. तो इससे क्या होगा कि अब हर जगह आपको यहां पर क्या मिलेगा, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्पीडली मिल सकेगी. ठीक है, कोई भी एरिया ऐसा अर्थ पर नहीं बचेगा जहां पर आपको यह नहीं मिल पाए. ठीक है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज
दी स्टारलिंक प्रोजेक्ट। यही है आपका स्टारलिंक प्रोजेक्ट और यही आज का लेक्चर का मुझे लगता था सबसे बेस्ट वाला जो आज पोर्शन है वो ये है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में, उम्मीद है आपको पता होगा वैसे तो। ठीक है, तो ये जो स्पेस एक्स है उसने जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इसके बारे में आपको बता दिया कि लगभग 12,000 सैटेलाइट्स यहां पर ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और इनका एम है कि हम एकदम लो कॉस्ट, ठीक है, एकदम लो कॉस्ट और रिलायबल हम यहां पर क्या करें, इंटरनेट सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर सके पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम एक अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस यहां लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो आई होप आपको अब स्टारलिंक प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट क्यूपियर की। ये जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उनके तरफ से शुरू किया गया है ये प्रोजेक्ट क्यूपियर। एक इनिशिएटिव है जिसके तहत यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा और उनका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि किस तरीके से हम लो लेटेंसी, मतलब जहां लैग सबसे कम हो, और हाई स्पीड हम यहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे सके। किसको? उनको जो अनसर्व्ड या फिर अंडर सर्व्ड एरियाज हैं इस अर्थ पे, वहां तक हम इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा सकें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट क्यूपियर पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट क्यूपियर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट है जिसके तहत लो अर्थ ऑर्बिट पे आपको यहां पर क्या होगा, एक जाल बिछाया जाएगा किसका, यहां पर सैटेलाइट्स का, राइट। तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोजेक्ट क्यूपियर कुछ इस तरह का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, यहां इस तरह का कुछ फॉर्मेशन आपको इस प्रोजेक्ट क्यूपियर का मिलेगा, राइट। अब देखिए साथ में मैं आपको बताता हूं कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, LEO जिसको बोल रहे हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए यार ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर, और इक्वेटर के अगर आप इस तरह से जो गोला दिख रहा है पिंक वाला, दैट इज योर लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज योर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा ये क्या होता है लो अर्थ ऑर्बिट, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं ये आप देख सकते हैं वन वेब मॉडल। अब ये वन वेब जो प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या है वन वेब, देखिए वन वेब की बात करें तो वन वेब बेसिकली मतलब है भारती ग्लोबल बैक्ड वन वेब। तो ये भी सेम ऑब्जेक्टिव के साथ, इनका भी सेम ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम यहां पर सैटेलाइट्स को लॉन्च करके हम यहां पर इंटरनेट सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करा पाए या फिर कम, बहुत ही अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस यहां प्रोवाइड करा सके, फ्री नहीं अनइंटरप्टेड करा सके। ठीक है, तो वन वेब का मॉडल यहां पर कुछ 650 के आसपास सैटेलाइट्स लॉन्च करने का है। एज यू कैन सी ये है यहां पर मई की खबर है, मई 29, 2021 में छपी थी, और भारती ग्लोबल बैक्ड वन वेब लॉन्चेस 36 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये पहले की बात है 29 मई की, जब यहां पर इस तरह की हुए थे कि 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी। अब जरा इसके बारे में यहां बात करते हैं, तो ये भारतीय ग्लोबल ये चलाता है क्या, वन वेब चला रहा है। ठीक है, इनका प्रोजेक्ट क्या है, वन वेब है। इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट पे ये सैटेलाइट्स को रखने की बात करी है, 36 सैटेलाइट्स इस खबर के हिसाब से लॉन्च किए। तो उसके बाद और लॉन्च हुए हैं, ये तो मैं उस खबर को यहां पर उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपका यहां बताया, लेकिन यहां पर क्या है कि इसको जो लॉन्च किया गया था, ये 36 जो लॉन्च हुए थे वो रशिया से हुए थे। ठीक है, और ये जो वन वेब है आप देखोगे अभी टोटल इस वक्त उस इस डेट तक 29 मई तक 218 यहां पर क्या है, 218 आप देखेंगे कॉन्स्टेलेशन यहां बनाए गए हैं। ठीक है, टोटल यहां अप्रोक्सीमेटली 650 के आसपास यहां सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात करी गई है। दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ 650 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स फ्लीट। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा पार्ट, और ये क्या करेगा कि हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज मिल सके। तो बेसिकली ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों चीजें स्टारलिंक हो गया, क्यूपियर हो गया, और यहां वन वेब हो गया, तीनों जो हैं सेम ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम अनइंटरप्टेड सर्विस ऑफ इंटरनेट दे सकें, इसलिए यहां पर इसको लॉन्च किया गया। बट आपको क्या याद रखना है कि कौन सा वाला प्रोजेक्ट किसका है। ठीक है, और अलग अलग डेफिनेटली जोन्स में यह लॉन्च हुआ है। ठीक बात है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं ऑलरेडी कि ये लॉन्च जो है वो वन वेब का हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप देख कई सारे कंट्रीज जो कवर कर रहा है, यूके हो गया, अलास्का हो गया, नॉर्दर्न यूरोप, कनाडा हो गया, इन सब एरियाज को यहां पर कवर करेगा और 2022 तक इसकी सर्विसेज यहां पर ग्लोबल लेवल पे शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, वन वेब शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे यहां सवाल करते हैं, देखिए इन कॉन्टेक्स्ट टू स्टारलिंक प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए इसको सवाल अटेम्प्ट करिए, वीडियो को स्टॉप करके शुरू करिए, उम्मीद हो गया होगा। देखिए इट इज अ प्रोजेक्ट टू ट्रेस द स्टार्स इन द अदर गैलेक्सीज। क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ये कि स्टार्स को ट्रेस करेगा? नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ए पॉइंट जो है वो गलत हो गया। इट इज लॉन्च बाय ब्लू ओरिजिन या स्टारलिंक ब्लू ओरिजिन का नहीं है, याद रखिए ये जो है वो स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है।
ये स्पेस एक्स का है, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, नीदर ए नॉर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, समझ में आ गया बेटा। चलिए आप लोग घबराइए नहीं, अबाउट दी नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे जाएंगे, वहां पर आपको शक्ति बैच का बैनर मिलेगा। शक्ति बैच के बैनर में वहां बटन आ रहा होगा बाय नाउ, तो वहां घबराना नहीं है कि बाय नाउ पे पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो बटन, वो बैच जो है सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, साथ में यहां पर जो इसके साथ आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी वो आपको जल्दी अपलोड हो जाएगी, और उसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करूंगा। वो वीडियो सॉल्यूशंस आपको एप्लीकेशन पे ही वीडियो अपलोड होगा, वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट खबर फिर आ रही है, श्रीशा बंदला बिकम्स द सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि देखिए आपको पता होगा फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी, इंडियन बॉर्न, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की जो वुमेन थी जो स्पेस में यहां पर ट्रैवल करी थी, फ्लाई करी थी, दैट वाज शी वाज कल्पना चावला। और कल्पना चावला के बाद अब ये आंध्र प्रदेश बॉर्न श्रीरिशा बंदला, ये जो है ये भी एक इंडियन बॉर्न है, अब ये सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन हो जाएंगी, हो गई है, जिन्होंने स्पेस में यहां पर फ्लाई किया है। इसके बारे में चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ट्विटर पे यहां पर ट्वीट किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और इनके ट्वीट में लिखा हुआ था ग्लैड टू नो, यहां पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि श्री रिशा बांदला वो एक सेकेंड वुमेन बन चुकी है, सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन हो गई है टू फ्लाई इनटू स्पेस। उनका अचीवमेंट जो है ये काफी मोटिवेट करेगा बाकी यंग गर्ल्स को भी और अब्रॉड भी, ठीक है। तो बहुत सारी बधाइयां उनको यहां पर। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आप देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उनके फोटो भी लगा हुआ है, उन्होंने ये बधाई जो है यहां पर इनको दी थी, ठीक है ना। एम वेंकैया नायडू, तो ये जो यहां पर वुमेन है श्री रिशा बांदला, ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बॉर्न है, कल्पना चावला के बाद ये सेकेंड यहां पर लेडी हो गई हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट यहां पर अचीव किया है, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में आपको याद होगा कि वो जब उनका स्पेस शटल वापस इंडिया में अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहा था, तो वहां पर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 2003 की बात है जब वो क्रैश कर गया था, ठीक है, कोलंबियन स्पेस शटल था जो क्रैश कर गया था। अब ये बांदला जो है, बांदला ऑल्सो दी थर्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन, अभी थर्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन है टू फ्लाई इन टू स्पेस, और साथ में अभी अकेले थोड़ी गई थी, इनके साथ यहां पर कौन गए थे, शी वॉज ज्वाइंट बाय ब्रिटिश के एक बिलियनर थे, उनका नाम था रिचर्ड ब्रांसन, ये भी इनके साथ थे, एंड दे वेर ऑन बोर्ड, किस पे गए थे वो लोग, वर्जिन गैलेक्टिक्स फर्स्ट फुल्ली क्रूड सक्सेसफुल सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम न्यू मेक्सिको से लॉन्च हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। तो पर्टिकुलरली इसमें यहां पर ये ट्रैवल करके रिचर्ड बार्सन और ये श्री रिशा बांदला, ये लोग यहां पर गए थे, ठीक है ना। अब सिर्फ यही लोग नहीं, इसके अलावा देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट यहां चार लोग थे टोटल जो लोग गए थे, आप देख सकते हैं यहां पर नाम लिखे हुए हैं, और देखिए ये क्या पायलट्स, डेविड मैके एंड माइकल मकुसी, ठीक है। वर्जिन गैलेक्टिक्स चीफ एस्ट्रोनॉट, उनका नाम था बेथ मोसेस, और जो लीड ऑपरेशंस के इंजीनियर थे कॉलिन बर्नेट, ये भी थे। तो अपार्ट फ्रॉम बंदला एंड ब्रासन फोर अदर्स ट्रैवल्ड, ठीक है, तो टोटल छह लोग थे ट्रैवल्ड अबाउट द गैलेक्टिक यूनिटी 22 स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए दोस्तों, यूनिटी 22, ये स्पेसक्राफ्ट का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि किस स्पेसक्राफ्ट से गए थे। तो यूनिटी 22 जो स्पेसक्राफ्ट है, इट सॉट टू सर्व एज अ टेस्ट फ्लाइट फॉर फ्यूचर कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स बाय द वर्जिन गैलेक्टिक। सिंपल सी बात है, आपको तो याद रखना है कि यार ये एक स्पेसक्राफ्ट है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में आ रहा है भाइयों, सो रहे हो, ऐसी सुन रहे हो बस कथा की तरह, सर सुना रहे हैं कथा, मुरारी बाबू कथा चल रही है सुन रहे हैं, अरे भैया ऐसा थोड़ी है, कुछ हाना सुन रहे, समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग इट और नॉट, चीजों को समझने मजा आ रहा है, करंट अफेयर्स की चीजें हैं, लेकिन मैंने बताया जैसे आपको यूपीएससी का पैटर्न कि सिर्फ उसी बात नहीं करेगा, उसके अलावा जो इर्द गिर्द चीजें हैं उस पर भी बात करेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, जब मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था स्टारलिंक प्रोजेक्ट, तो स्टारलिंक के बारे में न्यूज में था, लेकिन स्टारलिंक के साथ साथ वहां पर न्यूज में एक लाइन और लिखी थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वो जेफ बेजोस की कंपनी से बात भी करी और वन वेब वालों से बात करी, तो दोनों मॉडल अपने आप न्यूज में आ गए। आपको लगेगा स्टारलिंक बहुत न्यूज में था, लेकिन वो हो सकता है क्यूपीआर प्रोजेक्ट से पूछ ले, वो हो सकता है वन वेब से पूछ ले। तो मैंने इसलिए आपको दोनों प्रोजेक्ट डिस्कस कर दिए, कभी भी आपको अब ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया दिख जाएगा अखबारों में, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।
इसीलिए मैंने आपको इसका थंबनेल भी काफी इसका मैंने को सोचा कि आपको ही बताया जाए, ठीक है। एनीवे चलिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से न्यूज आ रही है, ये है कि टू गिव बेटर कंट्रोल ओवर दी COS डिपार्टमेंट मर्ज DPE मर्ज्ड विद दी फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, हमारे यहाँ कंट्री में एक बॉडी है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज DPE, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एज यू कैन सी, लेट मी राइट इट हियर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है ना। ये हमारे बॉडी में, हमारे यहां देश में एक बॉडी है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है ये क्या हो गया है, इसको मर्ज कर दिया गया है विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यार इसका मतलब ये है कि अभी क्या ये कहीं और था क्या जो इसको मर्ज कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस बताता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ है। यार ये ना ये अपने पॉलिटी सेक्शन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, दिस कैन बी इंक्लूडेड अवर इन अवर पॉलिटी। ये हमारा पॉलिटी का कवरेज है, जुलाई में ये अगेन न्यूज थी, एज यू कैन सी 8 जुलाई की खबर है ये, यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर क्या है, मैं आपको इन ब्रीफ बताता हूं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है ना दोस्तों, ये पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो है उसके अंडर ये बॉडी काम करती थी, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि हमारे यहां जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज था उसके अंदर पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPE कहते हैं, वो यहां पर क्या थी, वो यहां पर पहले इसके अंडर काम करती थी। लेकिन अभी फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, इसको उठा के अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर डाल दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि डीपीई जो है वो किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंदर यहां पर काम करता है, ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ठीक है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और ऐसे डायरेक्शंस देना कि आपका जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, आप जो भी यहां प्रोक्योर करना चाहते हो या बिजनेस करना चाह रहे हो, आप यहां पर हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट कराओ, ठीक है ना, एंड डायरेक्ट देयर प्रोक्योरमेंट्स पॉलिसीज टू बूस्ट लोकल इंडस्ट्रीज। तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज अभी तक ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में था, अब इसको बॉडी इस पर्टिकुलर यूनिट को शिफ्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और इसका काम डीपीई का काम क्या है कि किस तरीके से यहां पर क्या कहा जाए, जो लोग यहां पर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं चीजों का उनसे कहा जाए भैया हमारे लोकल मार्केट से प्रोक्योर करो ना, बाहर से क्यों करते हो, एटलीस्ट हमारे लोकल मार्केट से करोगे तो हमारे यहां जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरियां मिलेंगी, तुम उठा के एक्सपोर्ट कर लेते हो कहा बाहर से, अरे लोकल मार्केट से करो, लेट गिव देम ऑल्सो। अब आप कहोगे भैया वो उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है इसलिए नहीं करेंगे, अरे गिव देम सम प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, चीजों को वो करेंगे तो अपलिफ्ट होंगे तो बेटर वही होंगे। तो बेसिकली टू बूस्ट अवर लोकल लोकल इंडस्ट्रीज को यहां पर ये स्टेप लिया गया है, मतलब ये स्टेप क्या लिया गया, मतलब डीपीई को ये काम करने को कहा जाता है, ठीक है। तो डीपीई बेसिकली इस चीज में इन्वॉल्व है। अब आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली हो सकता है पॉलिटी के सेक्शन से। देखिए डीपीई जो है ना ये 1965 में बना था और तब इसको हम लोग बोलते थे ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तब ये इस नाम से जाना जाता था और उस वक्त ये हमारा आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था। तो डीपीई केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1965 एज ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इस वक्त ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था, तब ये एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी था, ऐसे काम करता था। फिर 1985 में इस बीपीई को शिफ्ट कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर, और 5 years के बाद इस बीपीई को, यानी जो ब्यूरो था पब्लिक इंटरप्राइज का, अब 5 साल के बाद यानी 1990 में देखोगे 5 years के बाद इसको एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था, पहली बार 1990 में इसको एक डिपार्टमेंट की तरह काम बनवाया गया, ठीक है। अब इसका डिपार्टमेंट बनाया गया तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर यहां पर इसको पुट कर दिया। अब यहां पर ये डीपीई जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डाल दिया गया। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया, इज इट क्लियर, एकदम मजा आ गया कि भाई साहब कुरकुरे खाली बैठे हो, चॉकलेट वॉकलेट कुरकुरे लेके बैठे हो, खा रहे हैं बस आराम से बैठ के, कहानी चल रही है सुन रहे हैं। भैया तुम सुनो, बट मैं कहूंगा कि एक नोट वोट कॉपी बना के बैठ जाओ,
नोट्स बनाओ उसके, करंट अफेयर्स के लिए जो मैं करा रहा हूं उसको जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, क्योंकि वो आपके बेटा करंट अफेयर्स में नहीं आया ना अगर तो भी आपको कहीं ना कहीं और लड़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ करंट के साथ साथ जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आपको कवर कराता हूं। और सिर्फ करंट अफेयर्स में खाली उतना ही करंट नहीं बता रहा हूं, करंट से जो लगा हुआ करंट है, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टारलिंक के साथ साथ मैंने क्यूपीआर प्रोजेक्ट, वेब मॉडल, ये सब भी बताया, क्योंकि ये सब भी पैरेलल न्यूज में चल रहे हैं। हो सकता है आपको स्टारलिंक ना पूछे, वो क्यूपीआर प्रोजेक्ट पूछ ले, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का पैटर्न है बेटा, बार बार कह रहा हूं ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलिए यहां पर बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की छपी हुई है, और यह कह रहा है कि इंडिया ज्वाइंस द सेलेक्ट क्लब ऑफ नेवल पावर्स, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर स्टार्ट्स सी ट्रायल। अब यार यहां हुआ क्या है सोनू, जरा डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये खबर है। यहां पर क्या हुआ है कि हमारा जो अभी तक नेवल पावर्स की बात, हमारी जो नेवी की पावर की बात करेंगे, तो इंडिया के पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो है INS विक्रमादित्य, ठीक है। लेकिन ये जो INS विक्रमादित्य है ये इंडिजिनस नहीं था, इंडिजिनस का मतलब ये हिंदुस्तान में नहीं बना था, इसको रशिया से हमने लिया था, ठीक है। अभी तक हमारे पास खुद का कोई भी यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। अब यहां पर क्या हुआ है, भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का यहां पहला आप देखोगे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं INS विक्रांत। क्या बोल रहे हैं इसको, INS विक्रांत। ये है हमारा अब पहला इंडिजिनस, याद रखिएगा हम इंडिजिनस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो था। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है भैया, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब समुंदर में आप जब ले जाओगे अपना शिप ले जा रहे हो, ठीक है, तो उस पे आप वो एयरक्राफ्ट लैंड करा सकते हो, टेक ऑफ करा सकते हो। आप देखते हो ना कि समुंदर के बीचों बीच है, वहां पर आपने अपने प्लेन्स खड़े कर रखे हैं और वहीं से टेक ऑफ हो रहे हैं प्लेन्स, वहीं पर लैंड करते हैं प्लेन्स, इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो यहां INS का मतलब क्या होता है, INS का फुल फॉर्म होता है बेटा इंडियन नेवल शिप। क्या बोलते हैं इसको, इंडियन नेवल शिप। अब ये जो इंडियन नेवल शिप है, इसको पहले कौन सा था हमारा, एक ही था, और उसको हम लोग बोलते हैं INS विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं, INS विक्रमादित्य, ठीक है। और अभी लेकिन ये क्या बताया, ये किसका था, ये रशियन ओरिजिन था, किसका था, ये रशिया का ओरिजिन था, तो हमारा ये इंडिजिनस नहीं था। लेकिन अब ये हमारा एक इंडिजिनस वाला भी INS विक्रांत ये बन गया है। और अभी रिसेंटली बेटा इसी ने क्या किया है, इन्होंने यहां पर सी ट्रायल शुरू कर दिए हैं, समुंदर में इसके ट्रायल होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इस वजह से यहां पर ये INS विक्रांत जो है वो न्यूज में आया, और वही है अभी तक इस तरह का कि खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर किन किन देशों के पास है, बहुत ही चुनिंदा देश हैं, 6 देश हैं ऐसी जहां पर जिनके पास खुद का अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, मैं उनके नाम बताऊंगा। तो अभी इंडिया रिसेंटली क्या हो गया है, क्या खबर है कि इंडिया ने यहां ज्वाइन कर लिया है उन नेवल पावर्स के क्लब को, जहां बेसिकली आपको इस तरह की चीजें मिल रही है, जहां पर एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसके पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। चलिए इसके बारे में हम लोग इन डिटेल यहां पर बात कर लेते हैं। अब जरा देखिए, यही चीज आपको यहां लिखी हुई है कि जो इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप, बार बार मैं आपको इस वर्ड पे हिट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा आपसे वो इंडिजिनसली वर्ड पे खेल जाएगा, आपको इंडिजिनसली वर्ड नहीं लिखेगा और लिख देगा कि INS इज, मतलब INS विक्रांत इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया। INS विक्रांत इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है लेकिन वो इंडिजिनसली डेवलप्ड नहीं है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो, वो रशिया का बनाया हुआ है, ठीक है। तो INS जो है, अब विक्रांत यहां बात कर रहा है कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एयरक्राफ्ट है, जिसके अब यहां पर समुंदर में ट्रायल्स जो है वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इस स्टेप के बाद ये एक बहुत ही लैंडमार्क हमारा अचीवमेंट है, इट्स अ लैंडमार्क अचीवमेंट बेसिकली, जो इंडिया को उन एक्सक्लूसिव लिस्ट में रख देगा, उन देशों की एक्सक्लूसिव लिस्ट में रख देगा जहां पर इस तरह के नेवल पावर, इस तरह के मोस्ट पावरफुल नेवल वेसल्स होते हैं। बहुत ही कुछ कंट्री है सबके पास ये पावर, मैंने बताया, नहीं होती है। तो यहां पर जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में आपको बता रहा था IAC का, वो है INS विक्रांत, ठीक है ना। क्या हो गया, INS विक्रांत, और ये अब वंस इट इज कमीशन्ड नेक्स्ट ईयर, अगले साल ये है अब इंडिया में कमीशन हो जाएगा, मतलब
अभी ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे है, अभी इसे इंडियन की नेवी में कमीशन नहीं किया गया है, अभी ये वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, अभी इन पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस तरह की कैपेसिटी, खुद का एक इंडिजिनस कैरियर होना, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस, यूके, रशिया, जापान, इटली और फ्रांस के पास ही है। ठीक है, जो इंडिजिनसली डेवलप्ड हो, याद रखिएगा इस कैटेगरी का हो। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कुछ चीज, इसको आप जरा देखिए गौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख पा रहे होंगे, अगर ये आपको फिगर बहुत दिख रहा होगा अच्छे से, लेंथ आप देखिए 262 मीटर की है। यहां पर आप देखिए ये इसके करियर स्टार्ट्स यहां आपको देखने को मिल रहे हैं, 59 मीटर्स का आपको ये हाइट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां जो बताया जा रहा है, द नेवी हैज नॉट स्पेसिफिकली रिवील्ड, अभी ये सब स्पेसिफिकेशन जो आप देख रहे हो ये INS विक्रांत के नहीं है। ठीक है ना, INS यहां देखो, नेवी हैज नॉट स्पेसिफिकली रिवील्ड येट व्हाट वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स INS विक्रांत विल हैव। INS विक्रांत में क्या क्या हथियार रखे जाएंगे अभी ये हमारे नेवी ने नहीं बताया है। ठीक है, अभी नेवी ने नहीं बताया है। एक्सपेक्टेड लिस्ट बेस्ड ऑन अर्लियर स्टेटमेंट्स एंड वेपनरी ऑन बोर्ड कंपैरेटिवली साइज्ड INS विक्रमादित्य, मतलब यहां जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशंस है, यहां पर प्रीवियसली जो यहां पर स्टेटमेंट्स हमारे नेवी ने देते रहे हैं INS विक्रमादित्य से, अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो यहां पर अभी रिवील होना, उससे हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि INS विक्रमादित्य में ये है तो यहां पर ये चीजें तो होंगी होंगी। ठीक है, या फिर कभी नेवी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आप देखिए यहां पर कुछ लग रहा है 59 मीटर्स का यहां पर होगा। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी वेथ हाइट, हालांकि ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए वेपन में क्या क्या हो सकता है ये कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, ये एक्सपेक्टेशंस है कि INS विक्रांत MiG-29 के ये जो एयरक्राफ्ट है उसको अपने वेपन में इस्तेमाल करेगा। ठीक है, KMOV-31 ये भी जो है ना, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये नाम है बेटा, ये कोई आपकी चिड़िया का नाम नहीं है। ठीक है ना, एक हो गया MiG-29, ये क्या है, ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक हो गया KMOV-31, ये क्या है, ये एक अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं। आपको पहले से वार्न हो जाता है कि क्या है ये KMOV, मतलब ये आपको पहले से आपको अलर्ट कर देंगे कुछ यहां पर अगर दुश्मन आने वाला है तो। इनकी कैपेबिलिटी है कि आप इनके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं कि आपको पहले से वार्न कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए अमेरिका का बनाया हुआ एक MH-60R, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MH-60R अभी ये इंडिया में ये अभी इंक्लूड भी होने वाला है MH-60R। ठीक है, तो ये अमेरिका का बनाया हुआ है हेलीकॉप्टर्स, तो वो भी जब आएगा तो उम्मीद करी जा रही है कि INS विक्रांत जो होगा उसमें यहां पर ये इस वेपन का इस्तेमाल, मतलब इनका यहां पर वेपनरी का इस्तेमाल होगा। ये सब वेपनरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा जो हमारे यहां पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स होते हैं ALH, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी यहां पर क्या होगा, वो इंडिजिनसली बिल्ड है, वो भी इसकी वेपनरी कैटेगरी में आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। ठीक है ना, अब देखिए आप यही चीज यहां सब लिखी हुई है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एंटायर थिंग इन डिटेल। अभी इसको जब तक ये कमीशन नहीं हो जाएगा INS विक्रांत, इसको हम लोग जिस नाम से जानेंगे वो है IAC-1। ठीक है, दैट इज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, इसको किस नाम से जानेंगे, IAC-1, यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर वन। ठीक है ना, इट विल ऑपरेट दी रशियन बिल्ड। अब क्या क्या ये ऑपरेट करेगा, ऐसे बताया ना फिर से, क्या क्या ऑपरेट करेगा, MiG-29 को ऑपरेट करेगा, फाइटर एयरक्राफ्ट है, KMOV-31 को करेगा जो कि एक एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स है, इसके अलावा ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी यहां पर क्या करेगा, जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है उनको करेगा, और साथ में मैंने आपको MH-60R भी बताया। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास जो अभी तक सोल एयरक्राफ्ट कैरियर था वो INS विक्रमादित्य था, एज यू कैन सी 40,000 टन का था। ठीक है, जो भारत की इस सर्विस में आया था 2013 में, ये रशियन ओरिजिन का बना हुआ, ये रशियन ओरिजिन का है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, आई होप यहां पर सब बातें इससे रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब यहां पर आपके सामने एक न्यूज और लिखी हुई है, और वो ये है कि एक बाइलेटरल एक्सरसाइज यहां पर होती है इंडिया और रशिया के बीच में, ये एक ज्वाइंट बाइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर इंद्रा। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसको हम लोग यहां पर नेम करते हैं इंद्रा, ये है इसका नाम। तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपका जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव होगा एनडीए का, उसके हिसाब से आपसे पूछ सकता है कि इंडिया और रशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को
क्या कहते हैं, तो नाम क्या है उसका, इंदिरा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपली इतना याद रखना है, इससे ज्यादा और याद नहीं रखना है। रशिया में हुआ था ये एक्सरसाइज, तो वहां पर क्या काउंटर टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर करने के हिसाब से ये एक मिलिट्री, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर हुई थी। ठीक है ना, इंदिरा 2021 बोलते हैं इसको, ये नाम है, ये भाई इस साल में हुई इसलिए इसका 2021 लिखा है और इंदिरा इसका नाम है। ठीक है ना, क्लियर। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए एक और मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपको मैंने पूरा इंडियन नेवी की यहां वेबसाइट से निकाला है। यहां पर लिखा है कि इंडियन नेवी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूएई, तो ये जो है इनकी यहां पर नेवी की एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है। देखिए ये ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नेवी की है कि मिलिट्री है, जैसे यहां पर आपने देखा कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, मिलिट्री वालों की एक्सरसाइज थी, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द नेम। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडिया और यूएई की जो यहां पर ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज हुई है वो यहां पर किसकी, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है जायद तलवार 2021। ठीक है, होपफुली आपको यह दिख रहा होगा, तो इसका नाम क्या है, जायद तलवार 2021। तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है, हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, क्योंकि साल भर में कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है ना, जैसे आपको मैं बताऊं, आपके लिए कुछ है आप जान सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस शीट में होगा दे दूंगा। वैसे आप सुनिए, सांप्रति हो गया, हैंड इन हैंड हो गया, शक्ति हो गया। ठीक है, ये शक्ति जो बैच का नाम रखा गया है ना, ये शक्ति बैच का नाम इसी बाइलेटरल एक्सरसाइज के वजह से रखा गया है। अब आप बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि शक्ति किन दो कंट्रीज के बीच की एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको ये क्वेश्चन इस सेंस में याद भी हो जाएगा कि किन दो बायलेटरल एक्सरसाइज की कंट्री के बीच में कंट्री एक्सरसाइज होती है, और उसी के ऊपर ये मैंने सजेस्ट किया था, हम लोगों का ये आइडिया था कि हम लोग उसका नाम इस बेसिस पे रखें। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए इंडियन नेवी ने यहां पर अंडरटुक किया ये बायलेटरल एक्सरसाइज जायद तलवार, ठीक है, यूएई में 7 अगस्त 2021 को हुई थी अबू धाबी के कोस्ट के पास, अबू धाबी। ठीक है ना, तो एक बार पूछा गया कि भैया ये अबू धाबी कहां, तो उन्होंने कहा कि जहां अम्मी धाबी वहां अबू धाबी। अरे भैया पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं, खैर छोड़ो। इसमें क्या हुआ था बेटा, आईएनएस कोची जो है वो इंडिया की तरफ से ये शिप थी जिसने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। तो ऐसा तो है नहीं पूरा पूरा नेवी उठ के चला जाएगा, चलो भैया लड़ रहे हैं मार देंगे, एकदम ले गए उठा उठा के नेवी को पूरी उठी गुस्से में। अरे एक्सरसाइज है बायलेटरल एक्सरसाइज, तो वहां पर एक आध लोग आदमी जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है पूरा उठा के चल दिए पूरा लेकर। अरे आईएनएस कोची, ठीक है, इंडियन नेवल शिप कोची जो है ये नाम है शिप का, वही यहां गई थी इस बायलेटरल एक्सरसाइज में, पार्टिसिपेट किया था उसने इंडिया की तरफ से। ठीक है, और जो यूएई की तरफ से था जो शिप थी उनकी तरफ से वो थी, यहां पर उसका नाम है यूएईएस, उसका नाम है अल दाफरा, और उसके साथ साथ एक और थी AS-565B पैंथर, उनकी तरफ से ये दो यहां पर एक्सरसाइज बेसिकली शिप्स थी जो पार्टिसिपेट करी थी, और इंडिया की तरफ से INS कोची थी जो यहां बेसिकली गई थी। इसके साथ साथ दो इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स भी यहां पर गए थे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आपके लिए खाली नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, एक तो एक ये सामने आया है बायलेटरल एक्सरसाइज जायद तलवार, एक सामने आ गया आपके इंदिरा, ये भी हुई थी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा, मैं आपको पहले वही डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे ले जाता हूं। ये देखिए, मेडन नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया बिगिंस। पहली बार, मेडन मतलब समझ रहे हो आप, ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया का कभी एक नेवल एक्सरसाइज यहां पर हो रहा है, नेवल एक्सरसाइज हो रहा है यहां पर किसके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इसलिए अपने आप ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है क्योंकि पहली बार हुआ है। ठीक है ना, इंदिरा बहुत साल से चल रही है। ठीक है, आप ये देखिए कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंपॉर्टेंटली यहां पर इसको क्या नाम दिया गया है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, कहां पर हुई है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहां किस नाम क्या है इसका वो आपको जानना जरूरी है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज है जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है। इट्स अ मेडन एक्सरसाइज, बार बार मैं आपको इस पॉइंट पे दे रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट एवर है बेटा, फर्स्ट एवर, पहली बार ये ज्वाइंट इस तरह की एक्सरसाइज जो यहां हुई है। ठीक है,
तो वो आपको इसका नाम जरूर याद रखना है। तो जो इंडियन नेवी की काउंटर पार्ट है, इंडियन नेवी के जो लोग थे वो जाके सऊदी अरेबिया की नेवी के लोगों से मिलते हैं, ऑर्गेनाइज एक मीट ऑर्गेनाइज होता है और वहां डिसाइड होता है कि हम लोग ये करेंगे, ठीक है, ये एक्सरसाइज करेंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंटली कहां पर हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, एट किंग अब्दुल अजीज नेवल बेस, वहां पर एक नेवल बेस है और उसका नाम है अल जुबैल, यहां पर ये एक्सरसाइज हुई भी थी, ठीक है ना, अल जुबैल पे एक्सरसाइज हुई थी। और एक कॉन्फ्रेंस भी आपको यहां पर मिलेगी, किंग अब्दुल अजीज नेवल बेस, ठीक है, ये नेवल बेस है कहां, अल जुबैल में है और यहीं पर ही आपको ये एक्सरसाइज भी हुई थी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई हैं, इंदिरा हो गया, जायद तलवार हो गया, अल मोहद अल हिंदी हो गया, ये सब आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर के बीच में आया था, ठीक है। अब मैं आपको वापस ला रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर आई थी और वो है इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, ठीक है, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी जो है यहां पर, आईटीबीपी जो है उसने क्या किया है, इट हैज इंडक्टेड फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स इन कॉम्बैट। तो देखो यार यहां पर क्या हुआ, अभी तक कभी भी आईटीबीपी के अंदर आप देखोगे कॉम्बैट यहां पर ऑफिसर रैंक पे कभी भी कोई वुमेन नहीं थी, ठीक है। तो अब यहां क्या हुआ है, कांस्टेबल रैंक तक होते थे बट अब ऑफिसर रैंक तक नहीं होते थे, पहली बार यहां आईटीबीपी ने क्या किया है, वुमेन को यहां पर एक ऑफिसर की रैंक पे यहां पर रखा है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं कौन है वो दो लोग, आई होप ये सिंपल है आपके लिए, नाम आपको याद रखना जरूरी है। देखिए इंडिया चाइना एलएसी, यहां पर अब ये आईटीबीपी करता क्या है, आपको एलएसी पता है, पहले तो आपको एलएसी पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच में है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपका इंडो चाइना की बॉर्डर है वो, उसको एलएसी बोलते हैं, आपका एक एलओसी होता है, ठीक है, वो आपको होना चाहिए। तो कुछ बॉर्डर्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, वो आपको याद रहे, ड्यूरन लाइन है किसके बीच में है, एलओसी हो गया, ठीक है, इस तरह की कुछ लाइंस आप याद कर लीजिए। मैं कहां बताता हूं आपको, व्हाट यू डू इज कि आप वर्ल्ड के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, इंडिया के, वर्ल्ड छोड़ दीजिए, इंडिया के जो आप इधर उधर के बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उनको आप एक लिख लीजिए और साइड में लिख लीजिए किस कंट्री के साथ इंडिया इस ये बॉर्डर का नाम शेयर करता है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया चाइना एलएसी यहां पर ये जो है इसको गार्ड कौन करता है, इस एलएसी को, वो करता है आईटीबीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, आईटीबीपी यहां पर एलएसी को गार्ड करता है लगभग 4000 किलोमीटर, टू बी वेरी प्रिसाइज समथिंग अराउंड 3800 का किलोमीटर का ये एरिया है जिसको ये पूरी आईटीबीपी जो है ना ये उसको गार्ड करती है, ठीक है। तो अब देखिए यहां क्या हुआ है, आईटीबीपी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, कमीशन किया है इट्स फर्स्ट टू दो वुमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया है इन कॉम्बैट में आफ्टर दे कंप्लीटेड द ट्रेनिंग यहां कंप्लीट हुआ तो उसके बाद उनको यहां पर उनको क्या किया, कमीशन किया गया है, ठीक है। तो ये टोटल 53 ऑफिसर्स पास हुए थे, ठीक है, आईटीबीपी ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो मसूरी में लोकेटेड है वहां से ये पास हुए थे और उनमें से यहां देखिए ये दो जो है वो अब यहां पर वुमेन ऑफिसर्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपको पता है इस बार एनडीए में लड़कियों को भी अलाउ किया गया है, तो डेफिनेट सी बात है ये एरिया, ये जो करंट अफेयर का पोर्शन मैं आपको अभी बता रहा हूं आईटीबीपी वाला, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपको जरूर और जरूर याद रखना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, जब पैरामिलिट्री फोर्सेज में एंट्री होती है तो जो रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट यहां पर होता है, इस ये एंट्री लेवल का पोस्ट होता है, ठीक है, तो वहां पर इसको, इन दो लेडीज को इस रैंक को यहां दिया गया है। क्या क्या नाम है उन ऑफिसर्स का, एक है यहां पर प्रकृति और दूसरा नाम है दीक्षा, ठीक है। तो ये दो नाम आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है इनमें से किन किन को यहां पर अपॉइंट किया गया है वो है। अब आईटीबीपी की बात करूं तो जब इंडो यहां चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त यहां पर आप देखिएगा ये इसको यहां पर शुरू किया गया था आफ्टर मैथ ऑफ इंडो चाइना 1962 की जो इंडो चाइना वॉर हुई थी जिसको हम लोग सीनो इंडो वॉर भी कहते हैं, ठीक है। तो 1962 की वॉर हुई थी उसके आफ्टर मैथ के बाद, यानी आफ्टर मैथ मतलब जब वो लड़ाई खत्म हो गई थी उसके बाद यहां पर क्या किया गया था, आईटीबीपी का गठन किया गया था। आईटीबीपी जो है वो बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल सॉरी, उसको यहां पर गार्ड करती है। 1962 में ये बनाई गई थी और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। मैं आपसे कहूंगा इसको प्लीज याद कर लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे आईटीबीपी है ये तो डिफेंस का मामला है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आती है,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जाती है। उसका काम है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जाके वहां पर बॉर्डर का प्रोटेक्शन करना, ठीक है ना। ये है इसका एलएसी, इसका आईटीबीपी काम। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, जस्ट अ मिनट। अब देखिए यहां पर कि द आईटीबीपी स्टार्टेड रिक्रूटिंग वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर्स इन इट्स कैडर फ्रॉम 2016 से यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता था, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता था, यूपीएससी कंडक्ट कराता था, उसके थ्रू 2016 से उन्होंने कॉम्बैट में यहां पर क्या किया था, वुमेन ऑफिसर्स को यहां पर लेना शुरू कर दिया था, उनका यहां रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और अभी बिफोर दिस टाइम अभी तक यहां पर ये कॉम्बैट जो होता था ना, इट ओनली हैड कॉम्बैट वुमेन इन दी कॉन्स्टेबुलरी रैंक, सिर्फ कॉन्स्टेबुलरी रैंक तक यहां पर वुमेन को रखते थे, कॉम्बैट में ऑफिसर रैंक तक नहीं होता था। अब यह ऑफिसर रैंक तक हो चुका है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच की कहानी को, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, यह भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। देखो यार, ये पाकिस्तान ही खबर है, लेकिन सिंपल एक लाइन में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि यहां पर हुआ क्या है। देखिए पाकिस्तान की एक मिसाइल है जिसका नाम है गजनवी, ठीक है, गजनवी। ये जो गजनवी मिसाइल है इसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन आई है। देखिए ये जो है ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है ना। पहली चीज ये आएगी, आपको याद रखना है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। क्या है ये, न्यूक्लियर केपेबल, मतलब न्यूक्लियर केपेबल है, कुछ न्यूक्लियर हमले ये कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है इसके साथ, वो ये कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी अगर कोई सरफेस से इसे फायर किया जाएगा, ठीक है, ये सरफेस से ही फायर होगी। बहुत सारी मिसाइल होती है, आप उसको हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आप क्या करते हैं, उसको फायर कर देते हैं, ऐसा भी होता है ना। लेकिन ये सरफेस से ही फायर होगी और ये सरफेस पे जाके ही हिट करेगी, ठीक है ना, ये सरफेस टू सरफेस हिटिंग करेगी। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये याद रखिएगा। और यहां देखिए ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। 290 किलोमीटर का इसका रेंज होगा, 290 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है, एज यू कैन सी रेंज ऑफ 290 किलोमीटर। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि हमको भी उनकी जो यहां पर पावर है या जो भी उनके पास यहां पर मौजूदा हथियार हैं उसके बारे में जानकारी हो, ताकि हम अपनी तैयारी हिसाब से कर सके, ठीक है ना। तो अगेन आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग एनडीए के कैंडिडेट्स हैं तो आपको इस तरह की खबरें का जानकारी होना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक और मैं आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज लेके आया हूं, यहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज लेके आया हूं कि केरला पुलिस ने यहां पर क्या किया है। केरला पुलिस ने पहली बार यहां फर्स्ट, कंट्री का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये यहां पर खोल दिया है। तो देखो यार, ड्रोन जो है ना, ड्रोन तो बेसिकली क्या है कि उसका मिसयूज बहुत होता है आजकल, है ना, आप कहीं भी आप किसी की भी सिक्योरिटी पीप कर सकते हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन यहां केरला पुलिस ने क्या किया है, उसने ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर खोल दिया है इसके ऊपर। ये कंट्री का पहला ऐसा रिसर्च सेंटर है केरला पुलिस ने खोला है। चलिए इसके ऊपर इन डिटेल थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है कि एट अ टाइम, एक ऐसे वक्त पे, व्हेन ड्रोन्स इमर्ज एज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट, जब एक ड्रोन्स सबके लिए एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, केरला पुलिस ने ऐसे टाइम पे यहां पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर यहां पर खोला है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर खोला है, ठीक है। आपको पता है कि अब ये रिसर्च सेंटर क्या करेगा, इसका बेसिक फंक्शन है कि हम यहां पर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ड्रोन्स के यूसेज के, वो हम लोग यहां पर पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब मिसयूज तो हो ही रहा है ड्रोन्स का, लेकिन यहां ये लैब जो है ये रिसर्च करेगा किस तरह से हम यहां पर इस ड्रोन के यूसेज को प्लस, मतलब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कैसे इनका पॉजिटिव यूज करना है उस पर काम करेंगे। तो बिसाइड्स एड्रेसिंग द थ्रेट एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रोन्स, द लैब कम रिसर्च सेंटर इज इन्विसाज्ड टू लुक एट द यूटिलिटी पार्ट ऑफ द अनमैंड एरियल व्हीकल, ठीक है ना। यूटिलिटी कितनी हो सकती है, हम उस पर यहां पर फोकस करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया,
इंपॉर्टेंट था हमारे पर्सपेक्टिव से। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, अगेन डिफेंस की फील्ड से हुआ है, और वो है कि राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कमीशन कर दिया है यहां पर समथिंग कॉल्ड एज ICGS विग्रहा। देखिए अब ये ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं इसको, ICGS बेसिकली हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है ना, ICGS नाम क्या है, विग्रहा। अब ये हमारे नेवी में यहां पर क्या हो गया है, कमीशन हो गई है, यानी इसको इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन ये कैसी है, इट्स एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। यार इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दिस ऑफशोर पेट्रोल वेसल, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है बेटा OPV। अब हिंदी में सुन लो क्या है ऑफशोर पेट्रोल वेसल, मतलब देखो ऑफशोर, शोर होता है समुद्र किनारा हो गया, तो ऑफशोर मतलब समुद्र किनारे से दूर, पेट्रोल वेसल, पेट्रोलिंग मतलब पेट्रोल, तेल वाला पेट्रोल नहीं जो तुम गाड़ी में भरा रहे हो, जो 100 रुपए किलो आजकल बिक रहा है मार्केट में सोने के भाव, देखो वो है यहां पर OPV। ये एक वेसल है, यानी एक शिप है जो हमारे पानी समुंदर के बॉर्डर्स को सर्विलांस करेगी, उसकी पेट्रोलिंग करेगी, जैसे रात में पुलिस पेट्रोलिंग करती है वैसे ही समंदर की पेट्रोलिंग करने के लिए यहां पर OPV होती है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो यहां पर एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है ICGS विग्रहा, इसको यहां पर कमीशन कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं क्या हुआ है कि जो एक यहां पर टारगेट था कि हम एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके तहत 7 OPVs बनाने की बात करी गई थी कि हम लोग 7 OPVs यहां पर बनाएंगे, 7 OPVs यहां पर बनाएंगे और आर्मी को दे, अपनी नेवी को देंगे। तो ये जो ICGS विग्रहा है ये बेसिकली यहां पर 7th इन द लिस्ट आ चुका है, 7वीं यहां पर ये OPV आ चुकी है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और इसको यहां पर अब अपनी नेवी में कमीशन कर लिया गया। चलिए इसके बारे में यहां पर आपको मैं स्लाइड दिखा के इसके बारे में बताता हूं। देख सकते हैं आप यहां पर कि ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जैसा बताया नाम है ICGS विग्रहा, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड में अब ये आ चुका है, ठीक है। और यहां देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये लार्सन एंड टूर्बो, ये LNT जिसको बोलते हैं ना लार्सन, आपने होपफुली इसका नाम सुना होगा लार्सन एंड टूर्बो, इसके थ्रू इसने जो है इसको बनाया है। और ये OPVs क्या होते हैं जो बार बार आप सुन रहे हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये है क्या, ये लॉन्ग रेंज सर्फिस शिप्स होती हैं जिनका काम होता है ऑपरेशन इन द मैरिटाइम जोन। मैरिटाइम जोन मतलब क्या हो गया, पानी का जोन, वाटर जोन, मैरिटाइम मतलब होता है वाटर, पानी का जोन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज विद हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कैपेबिलिटी। OPV होते हैं उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, तो आप OPV के थ्रू जा रहे हैं समुद्र के बीच में है, कभी कुछ इस तरह का मान लीजिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना, तो उससे भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके वहां पर बाकी ऑपरेशंस जो है वो कर सकता है, ठीक है। इनका रोल क्या होगा, बेसिकली इनका रोल होता है क्या, देखिए लिखा हुआ है ऑफशोर पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग करना, पुलिसिंग मैरिटाइम यानी मैरिटाइम जोन्स ऑफ इंडिया का पुलिसिंग करना, यानी देखना पुलिस की तरह वहां पर रोल प्ले करना, ठीक है, समुद्र के अंदर पुलिस का रोल प्ले करना, साथ में कंट्रोल करना और सर्विलांस करना, एंटी स्मगलिंग रोकना, एंटी पायरेसी को यहां पर रोकना, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को यहां पर रोकना, यह भी इनका काम होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में इसके आगे चलते हैं। अब यहां पर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, और वो क्या है उसको गौर समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे हिसाब से आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, व्हाट इज मारबर्ग वायरस डिजीज, मारबर्ग वायरस डिजीज क्या है, जो कि अभी वेस्ट अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया है, इसके बारे में बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा ये वायरस के बारे में। देख सकते हैं आप ये फिगर यहां पर, यहां आपको दिख रहे हैं ये है चमगादड़, दीज आर दी बैट्स, ठीक है। तो एक बात आपको यही क्लियर कर दूं कि ये जो मारबर्ग वायरस है ये बैट्स के अंदर मिलता है, कहां मिलेगा, बैट्स के अंदर मिलेगा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका कैरियर कौन होता है ये आपसे पूछ सकता है। तो मारबर्ग डिजीज क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, ये याद रखिएगा पहला चीज, ये एक हाईली वायरल डिजीज है, अगेन ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, मारबर्ग डिजीज पूछ लिया तो ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं है। इससे क्या होगा, आपको हेमोरेजिक फीवर यानी दिमागी बुखार यहां पर हो सकता है। और देखिए इज द सेम फैमिली, ये जो वायरस है ये सेम फैमिली का है जो यहां पर इबोला करता है, जो इबोला कॉज करता है, सेम वायरस है जो यहां पर आपको मारबर्ग डिजीज कर सकता है,
ठीक है। WHO के हिसाब से ये पहली बार आप देखोगे दोस्त के जो लार्ज आउटब्रेक्स थे मारबर्ग के, वो आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिले थे। एक तो मारबर्ग जगह का नाम है, फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है जर्मनी के अंदर, तो इसी वजह से यहां पर चूंकि ये आउटब्रेक इसका मिला था इसलिए इसका नाम मारबर्ग डिजीज रख दिया गया। तो मारबर्ग नाम समझ में आ गया, मारबर्ग इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसका एक आउटब्रेक, दो जगह आउटब्रेक हुए थे इस पर्टिकुलर वायरस के, एक हुआ था मारबर्ग में और फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के अंदर है, एक हुआ था बेलग्रेड में जो सर्बिया के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको दो आउटब्रेक्स की वजह से हुए थे। इसका आउटब्रेक जब हुआ तो हमको पहला रिकॉग्निशन यहां पता चला कि हाँ मारबर्ग डिजीज क्या है, ये वायरस क्या है, ठीक है। अब ये वायरस हुआ कैसे, एक्चुअली क्या था कि युगांडा की एक लेबोरेटरी है, युगांडा में एक लेबोरेटरी है, वहां पर ग्रीन अफ्रीकन मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वहां से यह वायरस फैल जाता है। देखिए द आउटब्रेक्स वेयर पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी वर्क यूज इन द अफ्रीकन ग्रीन मंकीज, इनके साथ इस्तेमाल करके इनको इनका जो युगांडा में परीक्षण चल रहा होता है, इनके ऊपर एक तरह से एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट की वजह से यहां पर यह वायरस फैल जाता है, ठीक है। तो वंस एक बार अगर कोई इंडिविजुअल इससे इफेक्टेड हो जाता है तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज की हमेशा होती है, अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बिल्कुल होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ आपका ब्लड है वो टच हो गया, कोई सीरम है, कोई फ्लूइड है, इस तरह से टच हो जाता है, तो भी यहां पर इसके ट्रांसमिट होने के चांस होते हैं। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड आप देखिए तो इट इज 22 to 21 days, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड था। जीका वायरस था, जीका वायरस का 3 to 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड था, मारबर्ग वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 21 दिन का है। और 2008 में क्या हुआ था कि दो यहां ट्रैवलर्स थे, वो ट्रैवलर्स जो है वो इस केव में गए थे जहां पर आपको ये बैट्स मिल रहे हैं, कौन से बैट्स हैं, रोसेटस बैट, जिनके अंदर ये वायरस वहां मिला, कैरियर थे ये इसके। तो ये केव, दो ट्रैवलर्स थे जो उस केव में गए थे और वहां पर ये बैट्स रहते हैं, जब वहां पर ये विजिट करने गए ट्रैवलर्स तो ऐसा लगता है कि वहां से उनको ये वायरस कैच ऑन हो गया, क्योंकि ये वायरस तो बैट्स में ही मिलता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब देखिए यहां पर है WHO फॉर्म्स, WHO ने यहां पर एक नया एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म किया है। अब ये किस लिए किया है, ताकि हम ये स्टडी कर सकें कि क्या कारण है ओरिजिन कोविड 19 के वायरस के ओरिजिन का, इसके कारण को हम लोग यहां स्टडी कर पाए, इसके लिए WHO ने एक न्यू एक्सपर्ट ग्रुप यहां बनाया है। अब एक बात देखिए, यहां पर हमको यह समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे यहां पर ओरिजिन हुआ, यह हमारे पार्ट का नहीं है, लेकिन यहां पर जो न्यू एक्सपर्ट ग्रुप क्रिएट हुआ है वो क्या है, वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। अब देखिए यहां पर WHO ने कहा है कि भाई कोविड 19 बहुत हो गया, बहुत फैल चुका है, अब बात यह आ रही है कि कोविड 19 का जो वायरस है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके ऊपर हमको और स्टडी करनी है, और इसलिए WHO ने एक यहां पर बॉडी न्यू एडवाइजरी, न्यू एक्सपर्ट ग्रुप का यहां पर न्यू एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म किया है, जिसको बोला जा रहा है SAGO, जिसको बोला जा रहा है SAGO। SAGO का मतलब है इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस। तो ये जो बॉडी है ना, ये एक इंटरनेशनल एडवाइजरी, इंटरनेशनल बॉडी है जो ये पता लगाएगी कि कैसे पैथोजेंस जो होते हैं वो कैसे यहां पर क्रिएट हो जाते हैं, और इनफैक्ट क्या उनका पोटेंशियल है, वो कितना पोटेंशियल रखते हैं कि वो एक ग्लोबल पैंडेमिक डिजीज बन सकता है, इसके ऊपर यहां पर, या फिर अभी फिलहाल के लिए यहां जो कोविड 19 का वायरस है उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, इसको समझने के लिए यहां पर ये SAGO यानी इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजेंस, नोवल मतलब नए पैथोजेंस को यहां पर बना, यहां पर देखने का ये काम ये SAGO करेगा, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया, यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट, ठीक है ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि क्या है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग WHO, WHO को ये बॉडी एडवाइस करेगा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबल फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क बताएगा जिससे हम ये समझ सके कि कोई अगर फ्यूचर पैथोजन आता है, कोई अगर भविष्य में यहां पर पैथोजन इमर्ज होता है तो कितना चांस है कि वो एक पैंडेमिक पैथोजन बन सकता है, वो इसके पास कितना पोटेंशियल है कि वो पैंडेमिक यहां पर कर सकता है, ठीक है, ये काम जो है वो SAGO करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर आप देखिए इंडिया UK ने एक यहां पर एग्रीमेंट साइन किया है, क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं, ये अश्वगंधा के ऊपर यहां पर एग्रीमेंट किया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं सिंपली, अश्वगंधा यहां पर क्या है, एक ट्रेडिशनल हर्ब है,
क्या है? अश्वगंधा एक ट्रेडिशनल हर्ब है और ये हर्ब जो है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत काम आता है, ठीक है। हमारे इम्यूनिटी को ये क्या करता है, रेज करता है, इंक्रीज कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले अभी तक क्या हुआ है कि कभी अश्वगंधा के ऊपर यहां पर कभी ये चेक नहीं हुआ कि हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कितना फायदेमंद है कितना फायदेमंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि हमारा देश इंडिया किसी फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन कर रहा है कि चलो अश्वगंधा के ऊपर यहां रिसर्च करते हैं कि वो अश्वगंधा कितना यूजफुल हो सकता है कोविड 19 के रिकवरी प्रोसेस में, कितना जल्दी हमको वो रिकवर कर सकता है। ये चीज यहां पर करने के लिए इंडिया और यूके ने अश्वगंधा के ऊपर यहां पर क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है। अब यहां पर जो बॉडी एग्जैक्टली इन्वॉल्व्ड है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करती है। देखो यार कंफ्यूज मत होना, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्वॉल्व्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहां पर क्या किया है, उसने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, एक बॉडी है इसको बोलते हैं LSHTM, यानी यूके की बॉडी है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, इसके साथ यहां कोलैबोरेशन किया है इसने। और अब क्या करने जा रहा है, अश्वगंधा को यहां पर रीड किया जाएगा कि कितना वो यहां पर हमारे कोविड 19 के रिकवरी प्रोसेस में फायदा दे सकता है। यह चीज यहां पर स्टडी करने की बात आई। तो बेसिकली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यह इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह अश्वगंधा क्या है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, अश्वगंधा को हम लोग यहां पर इंडियन विंटर चेरी कहते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अश्वगंधा को हम लोग इंडियन चेरी, इंडियन विंटर चेरी कहा जाता है। यह एक मैंने जैसे बताया आपको कि एक ट्रेडिशनल हर्ब है। क्या है ये, एक ट्रेडिशनल हर्ब है और ये ट्रेडिशनल हर्ब जो है ये हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने के बहुत काम आता है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लेता है। तो यूके के अंदर आप देखेंगे अश्वगंधा तो आपको ओवर द काउंटर्स यानी मेडिकल स्टोर्स पे ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर देखिए इट इज इजीली एक्सेसिबल ओवर द काउंटर, एक ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह आपको यूके में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यह देखा गया है कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होने वाला है इसका अश्वगंधा का, यह ऑब्जर्व किया गया है लॉन्ग कोविड में, विच इज अ मल्टी सिस्टम डिजीज विद नो एविडेंस राइट नाउ कि कोई इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आया कि कोविड का ट्रीटमेंट से होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर ऑब्जर्व आया है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर होगा कोविड 19 से ट्रीटमेंट पे, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। आगे चलते हैं, हम यहां पर बात करते हैं कि सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है गाइडलाइंस टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर शेयरिंग बायोलॉजिकल डेटा। तो यार देखो यहां पर क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूं सिंपली यहां पर हुआ क्या है, वो सुन लीजिए। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर एक 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 पर्टिकुलर चीज है, इसको बोलते हैं बायोटेक प्राइड। अब ये बायोटेक प्राइड क्या है, देखिए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये हमारा जो मंत्रालय, देखो मंत्रालय याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई साइंस का मामला है ना तो कौन से मंत्रालय करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसने यहां बायोटेक प्राइड पे गाइडलाइन यहां जारी करी। अब पहले समझ लो बायोटेक प्राइड होता क्या है। देखो बायोटेक प्राइड, प्राइड का फुल फॉर्म क्या है, प्राइड का फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। देखो प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, ये है बेसिकली प्राइड। अब यहां क्या है, मान लो मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं, मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं कोई रिसर्च करता हूं, आप भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि मैंने कोई रिसर्च किया, आपने भी किया, कुछ डेटा मुझे ही मिला, कुछ डेटा आपको ही मिला, अगर हम लोग इन डेटा को क्लब कर सके, इन डेटा को शेयर कर सके, तो हमारा रिसर्च और डेवलप नहीं हो जाएगा, होगा ना, तो हमारा रिसर्च और बेटर हो सकेगा, हम बेटर फिगर्स की तरफ आ सकेंगे। तो जो जो रिसर्चेस हो रही है यहां पर, उनको अगर हम यहां पर अलग अलग सेम डोमेन में, तो उनको अगर हम यहां साथ ले आते हैं किसी तरह से, उनका अगर हम डेटा एक्सचेंज करवा पाए एक दूसरे के साथ, तो हमारा यहां पर क्या होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस दिया किस तरह से हमको यहां डेटा शेयर करना है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, ये चीज तो आप पढ़ ही लेंगे, यहां पर क्या हुआ है कि ये चीज जो है, यहां यूनियन मिनिस्टर ने इसके साथ एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, यही बेसिकली इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी भी है, इसलिए इसको यहां पर लिखा है गाइडलाइंस ये इंप्लीमेंट की जाएंगी IBDC के द्वारा, जिसकी अभी भी यहां वेबसाइट बनी है, ठीक है, और इसको सपोर्ट मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का,
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये सारे डेटा हम लोग एक साथ ले आएंगे इधर उधर के, तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज बायोग्रिड। देखो क्या लिखा है, लेटर द एग्जिस्टिंग डेटा डेटा सेट्स एंड डेटा सेंटर्स, इनको हम लोग ब्रिज कर देंगे, यानी एक साथ ले आएंगे दिस आईबीडीसी वेबसाइट पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बायोग्रिड हो गया है, सारा इंफॉर्मेशन एक ग्रिड बन गया है पूरा बायोलॉजिकल इस तरह के डेटा इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ये काम यहां करने का पूरा इनका प्लान हो रहा है। तो ये हमारा पूरा यहां पर करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमारा जुलाई का पूरा हो गया, अगस्त का मैंने आपको पार्ट वन डिस्कस किया, मेजरली मैं आपको साइंस और डिफेंस के सेक्टर की न्यूज लेके आया था। आगे वाली वीडियो में मैं आपके साथ एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, पॉलिटी इकोनॉमी, इन सबसे चीजों को लेकर भी नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। ठीक है, तब तक मेहनत करते रहिए, इस लेक्चर के नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, पीडब्ल्यू ऐप पे जाइए, वहां पर मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा आज, और आपको जुलाई के जो करंट अफेयर्स यहां पर, जो देखिए वीडियो का टाइम लिमिट है, तो जो बच जाएगा उसको मैं आपको वहां डाल दूंगा, प्रैक्टिस शीट करिएगा उसकी, उसकी वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।